राजभूषण शरण सिंह मामले में जब से कार्रवाई शुरू हुई है तब से नाबालिग के पिता का बयान भी आ गया और उन्होंने शिकायत वापस लेने की बात तक कह दी। लेकिन इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि पिता का बयान मामले में निर्णायक नहीं है क्योंकि प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, मामला अब दिल्ली पुलिस के पास है और वह जाँच कर रही है। इधर प्रदर्शन को 15 जून तक टालने के बाद अब पहलवान ने धमकी दे दी है। धमकी है एशियाई गेम्स में हिस्सा न लेने की। दरअसल साक्षी मलिक सोनीपत में थी जहां वो महापंचायत में हिस्सा लेने गई थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हम एशियाई गेम्स में हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसा तभी होगा जब हमारी मांगों को माना जाएगा और हमारे मुद्दों को सुलझा दिया जाएगा। साक्षी ने कहा कि हमारी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम गेम में हिस्सा ले सके, हम विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। बता दें कि एशियाई खेल इस साल 23 सितंबर से शुरू हो रहे हैं जो 8 अक्टूबर तक चलेंगे। चलिए आपको साक्षी मलिक ने क्या कुछ कहा वो बताए। उससे पहले आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने क्या कहा। विनेश फोगाट ने भी एक दिन पहले बयान दिया। उन्होंने कहा, ब्रिजभूषण की यही ताकत है, वह अपने बाहुबल, राजनीतिक ताकत और झूठे नैरेटिव चलवाकर महिला पहलवानों को परेशान करने में लगा हुआ है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। पुलिस हमें तोड़ने के बजाय उसको गिरफ्तार कर ले तो इंसाफ की उम्मीद है, वरना नहीं। महिला पहलवान को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम साइट पर ले गई थी लेकिन मीडिया में चलाया गया कि वे समझौता करने गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत काफी गर्म रही। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने अब तक ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की है। अब चलिए आपको बता दें कि साक्षी मलिक ने क्या कुछ कहा। एशियन गेम्स जब खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है हमारे हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं आप लोग नहीं समझ सकते हो। हाँ बिल्कुल, हो गया ना ये केस, वो तो गया, आपके आगे ही हुआ है। 164 के बयान हुए, 164 के बयान हुए, काफी दिन हो गए, उसके बाद टूटने का क्या मतलब है, हमें तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो प्रेशर है, और उनकी वीडियो उठा के देख लो, लड़की के फादर की बोल रहा है हम पे प्रेशर है, डर है, घबराहट है, होता है, होता होगा। बजरंग के पास खुद कॉल्स आए हैं, बिक जाओ, टूट जाओ, ये हो जाओ, तो ये सब गलत है। देखो अगर बाहर होगा तो प्रेशर भी होगा। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत काफी गर्म रही। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने अब तक ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।